नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो। ये स्टॉक 170 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने मार्केट में 1.28% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,49,760 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, बुक वैल्यू 22.90 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता है फेस वैल्यू 1 है। सो इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि अच्छी बात है। पीई इसमें शो नहीं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, माफी चाहती हूँ। अभी के लिए ये स्टॉक जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हिला हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रही है। बेसिकली फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है एंड अच्छे मूव दिखा सकता है आने वाले टाइम में। अभी के लिए देखिए कि आज मार्केट में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में इसने 1.28% का अपमूव दिया है एंड ये एक रेजिस्टेंस है जहां पे ये ट्रेड कर रहा है एंड ऊपर से ये रिजेक्शन लेके आया है। तो अभी एंट्री की बात करने से पहले हम चलेंगे इसके बीएससी पे। बीएससी पे देखिए न्यूज ऐसा सच कोई है नहीं एंड प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है एंड ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है। तो अगर ये स्टॉक ज्यादा भागे, अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता और ज्यादा भाग जाता है, हो सकता है स्टेज 4 में चला जाए एंड अगर ये थोड़े छोटे छोटे मूव देता रहता है, कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, तो हो सकता है कि एसएम से बाहर निकल जाए। एंड अगर ये भागता है और एसएम से एसएम 4 में नहीं भी जाता तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस बैंड चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे अपना टारगेट रखा है कि हम 200 के आसपास टच कर सकते हैं मुझे लगता है जल्दी ही। तो यहाँ के लिए हमें चाहिए केवल और केवल 17%, वो एक दिन में भी ये कर सकता है, राइट। पर अगर ज्यादा भागा तो एसएम 4 में चला जाएगा। तो वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है 55 मिलियन का एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 42 मिलियन के आसपास। तो देखिए वॉल्यूम तो थोड़ा ज्यादा ऑफकोर्स आया है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखा गया है एंड ये एक रिजेक्शन पे यहाँ पे बैठा हुआ है, सपोर्ट लेके रिजेक्शन लेके आया है यहाँ से एंड यहीं पे इसने अपना अभी होल्ड बनाया हुआ है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पे जो है इसने बनाया हुआ है अपना सपोर्ट, बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते मैं यहाँ, इस लाइन को अभी सपोर्ट लेके चलेंगे। लाइन तो क्या ही ड्रॉ करूं, ये जो लाइन है ये हमें, हम अभी अपना स्टॉप लॉस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलेंगे। 163.35 पे है लाइन, पर मुझे लगता है लाइन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं 165 के आसपास, इसको ड्रॉ करते हैं, मुझे लगता है कि वहां पे होनी चाहिए लाइन। तो 165 से लेके 166 के बीच में मुझे लगता है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है एंड अभी जो स्टॉक है 169.80 पे ट्रेड करा है यहाँ पे। तो एंट्री की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बना रहा है कि यहां से ये आरएसआई रिवर्सल लेती है, थोड़ा सा आरएसआई करेक्ट हो ही नहीं पा रही ढंग से, क्योंकि आप देखेंगे कि ये स्टॉक ना बहुत छोटे छोटे मूव दे रहा है बट ये ऊपर ही जा रहा है। अगर आप डिटेल में देखेंगे इसको जूम करके तो ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े मूव नहीं दे रहा है। देखिए यहां से इसने मूव दिया है, माइनस में मूव दिया था, यहां पे इसने 0.32% का दिया, फिर बड़ा मूव दिया, बड़ा मूव दिया, बड़ा मूव दिया, फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर उसने बहुत छोटा सा मूव दिया, फिर बहुत छोटा सा मूव दिया, तो एक एक दो दो आधा आधा परसेंट करके ये ऊपर जाए जा रहा है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे आरएसआई करेक्ट भी नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा सा, ये भी हो सकता है कि अगर ये मूव दे तो आरएसआई ऊपर भी चली जाए, बट यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पे आरएसआई जहां पे थोड़ी सी कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री की तो मेरे को लगता है कि रिस्की है थोड़ा सा, बट लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे अगेन रिस्की है क्योंकि आरएसआई सेटल होगी तभी इसको अच्छा मूव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक बार लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा एंड एक और सिनेरियो है जिसमें ये यूजली देखा जाता है, बड़े सारे केसेस में होता है कि जब स्टॉक ऐसी स्टेज होता है एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 एंड उसका प्राइस बैंड होता है 20 या 10% का होता है, तो यूजली क्या कर जाता है कि एक बार ऑपरेटर्स या कुछ भी, क्योंकि रिटेलर्स तो इतना उठा नहीं सकते एकदम से, तो ऑपरेटर्स एंड ऑल मिलकर इसको 20% एक बार के लिए भगा देते हैं एंड उसके बाद ये एसएम में चला जाता है तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि 20% बहुत सारा होता है, राइट। तो ये भी एक सिनेरियो है, तो काफी रिस्की है ये, और अगर मुझे उसमें करनी होती एंट्री तो यहाँ पे मैं कर भी सकती हूँ, पर यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री नहीं करूंगी क्योंकि वो सिनेरियो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो ये भी एक चीज है। तो यहाँ पे अगर उसमें मैं एंट्री करती तो मैं अपना मतलब मुझे अगर 100 रुपए लगाने होते जोमेटो में, अगर सही जगह पे होता तो मैं अगर 100 रुपए लगाती तो यहाँ पे मैं 30 रुपए ही लगा के चलूंगी या 20 रुपए लगा के चलूंगी, मतलब 20% ही अपनी जो मेरी इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट की उससे मैं सिर्फ 20% ही लगाती। एंड ऑफकोर्स मैं स्टॉप लॉस लेके जरूर चलती कि अगर मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे पता है कि ये फिर इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। एंड अगर इससे नीचे चला गया इस पॉइंट से 165 से नीचे अगर चला गया तो वो मुझे वहां पे ये रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा अपना स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो ये भी एक इसको कहते हैं, देखिए अभी जो ये है इसको बेसिकली आप एक अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं एंड एक थोड़ी सी पुरानी एनालिसिस भी ले सकते हैं, तो यूजली ऐसा देखा गया है। सो बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरी एनालिसिस है एंड आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।